विजिबल है। यस सर। सो मैं मैनू प्रियंकुश ने ना एक्चुअली वीडियो मैनू सेंड की थी से। मैं क्या तुसी क्यू कार्ड सुनाओ तो क्यू कार्ड गलत सुना रहे हो ते जिद्दां तुसी भी गलत सुना रहे थे ना। हेलो हाँ जी सर। ते मैं इन्हां दे यहाँ कोई वीडियोस वगैरह है मैं चेक की थी तो एक्चुअली इत्थों क्यू कार्ड वगैरह चेक करते हैं प्रियंकुश ते उन्हां दे। मैं भी थोड़े बहुत क्यू कार्ड देखे हुए की है हले एक दो ही देखे मैं हले तक होर कुछ नहीं देखे। ते इन्हां ने अपने रिजल्ट पाया होया काइंड ऑफ रीडिंग 8.5 सॉरी लिसनिंग 8.5 रीडिंग 7 है। चलो ठीक ठाक है 7 रीडिंग का। राइटिंग 7 है तो स्पीकिंग इन्होंने 8.5 पाई है। मोस्ट लाइकली इन्हां दा ओवरऑल 8 बैंड बनया होएगा। ते मैं एक वीडियो चेक कर रहा सी ते एक बार इन्हों चेक कर दें। देखो मैं कुछ समझा रहा तो देखो की होंगे ये। लेट मी डाइव मोर इनटू द एग्जीबिशन। इट वाज पर्टिकुलरली अ पेंटिंग एग्जीबिशन दैट आई विजिटेड इन माय स्कूल। वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जीबिशन बिकॉज वन ऑफ माय मेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। एज लक वुड हैव इट ही वोन द फर्स्ट प्राइज। सो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा है तो देखो ये समझो। जिवें लिखे वन ऑफ द मेन रीजन्स मैं प्रियंकुश ने पहले भी दस्या सी वन ऑफ द मेन रीजन्स दैट व्हाई आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जीबिशन बिकॉज वन ऑफ माय हैमेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। ये सबको गलत लिखे है पता नहीं यार कोई मतलब नहीं है। इहदा कोई मतलब क्यों नहीं है मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिना है। इहदे उत्ते मैं लिख तो नहीं सकदा कि लिख सकदा किसी तरह कुछ भी विजिबल नहीं है। रिकॉर्डिंग आ रहा है ऊपर सर। नहीं हुन हो नहीं सर, विजिबल हुन नहीं आई नहीं हो रही है सर। देखो यार मैं जो लिखे तो पहला कुछ भी नहीं दिखे। नहीं हाँ दिखा सर, ले फिर दिखा ये तो तेरा धक्का करता मैंने सच्ची। सर। मेरे लगा बाकी देख दी भैया, मैं बोली नहीं, नहीं मेरे नहीं नहीं लगा किस मेरे तो कुछ किस हो गई। किस किस भी कोई भी इशू है मैंने दसो ना ठीक है। नहीं तो इदा थोड़ी गल बनेगी। देखो मैं वो को स्टेटमेंट ऐसा लिखी थी उन्होंने वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जीबिशन बिकॉज वन ऑफ माय मेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। ठीक है ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखी सी। ठीक है समझ आया कि नहीं। तू कहो तो मैं दोबारा दिखा देना। देखो आ देख रहे हैं हाँ जी सर। ऐसा उन्होंने लिखा है और वन ऑफ द मेन रीजंस दैट लिखे रीजंस तो बाद की लिखे हुए हैं That why I still remember this exhibition because one of my mates exhibition तो बाद because लिखे I still remember this exhibition because one of my mates participated in this exhibition। ठीक है so इस तरह इन्होंने लिखे है। So जब मैं वापस इधर आ जाऊँ हम इधर देख रहे हैं। यस सर। यस सर। हाँ so our statement is one of my main reasons that why I still ठीक है remember। ते हुण इत्थे दैट नहीं आना। मैं ये दस रहा बेसिकली कि दैट क्यों नहीं आना क्योंकि दैट एक्चुअली की है कंजंक्शन है ते वाई वाई भी की है कंजंक्शन है ते जदों आपां रीजन वर्ड यूज करिए ना उस तो बाद दैट नहीं आंदा। ठीक है वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जीबिशन इज वन ऑफ माय मेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। मैं हले सिर्फ इन्हें ग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हालांकि ये होर बहुत तरीके लिखने थे इन्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए वैसे इन जनरल। बट जे मैं इन्हें ग्रामेटिकली ये जो लिखा है उन्होंने उन्हें ग्रामेटिकली करेक्ट करना होगा तो ये है वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जीबिशन इज वन ऑफ माय मेट्स एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। सो आई गॉट मोटिवेटेड एंड आई आल्सो आई थॉट दैट आई शुड फॉलो हिम। ठीक है या आई शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन। की समझ आ रहा है। हुन आज जिहड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन है गलत क्यों है क्योंकि बिकॉज भी एक कंजंक्शन है दैट भी कंजंक्शन है वाई भी कंजंक्शन है ते इच सेंटेंसेस किन्ने हैं उन्हों आप ही नहीं पता सेंटेंसेस किन्ने हैं। मतलब इच मेन क्लॉज केड़ा है एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज केड़ा है। सो आ जिहड़ा पोर्शन हुंदा है ना आ वाला इन्हों आप रिलेटिव क्लॉज कहने हैं या एडजेक्टिव या रिलेटिव।
रिलेटिव क्लॉज के अंदर, ठीक है, वो तो मेन सेंटेंस ही होएगा, वन ऑफ द मेन रीजंस इज माय मेट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन, या फिर वन ऑफ माय मेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। सो इन्होंने एक्चुअली इन्होंने पता ही नहीं है कि इतने कोई वर्ब भी आनी है, की आनी है वर्ब, वर्ब आनी है एक्चुअली, इन्होंने कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने इतने कोई वर्ब लिखी नहीं है, तो उन्होंने मे बी पता ही नहीं है। सो आ जो स्टेटमेंट है ना, वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जीबिशन बिकॉज वन ऑफ माय मेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, टोटली गलत है। कि आपां नूं समझ आ रहा है मैं की कह रहा? यस सर। सो बट इत्थे जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखी है वो सेम आई है कि वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई आई स्टिल रिमेंबर दिस एग्जीबिशन बिकॉज वन ऑफ माय मेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन। सो ए वाला क्यू कार्ड भी उन्होंने की है गलत है, तो आ वाला मेन पोर्शन है जेड़ा उन्होंने गलत हो जाता है। मोस्ट मार्वलस मिराकुलस पावरफुल फोर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर नोन। There are several practical works in which I need to use my imagination. Here, I would like to talk about a time when I had to use my imagination. Last month, all my friends were gathered at a party. Chalo. Halaki, last month, all my friends were gathered at a party. Ache, were nahi aana chahiye actually. ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਗੈਦਰਡ ਐਟ ਏ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਆਲ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਵਰ ਗੈਦਰਡ ਐਟ ਏ ਪਾਰਟੀ, ਸਡਨਲੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਿੰਗਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸੌਂਗਸ। Everybody was saying that today's song are too loud and the lyrics are meaningless. One of my friends started arguing with me that it is not easy to write good lyrics. Even he challenged me to write something if you can. I think you can nahi aana. Even he challenged me to write something if I can आना है, क्योंकि उन्हें मेनू चैलेंज किया ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes sir. Hello. हाँ, ये definitely गलत है। If you can नहीं आना, if I can आना है, grammatically गलत है। ये भी छोटी गलती नहीं है। कितने क्या? I accepted her challenge. Yeah, his challenge. Before that, I never tried such kind of thing. A galat sentence. Before that, I had never tried on it. Ethe ki ana had. Eh main dass dinna kyun? Kyunki aa ek past di situation hai. Ki hai? Past di situation hai. I accepted her challenge. Yeah, his challenge. Main oda challenge accept kar liya. Ki samajh pa rahe ho main ki keh raha? Yes, sir. I accepted her challenge hai. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਅਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
बिफोर दैट मतलब बिफोर दैट एक दो दी गल है, बिफोर दैट मतलब जदों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया उदों दी गल है, ते चैलेंज एक्सेप्ट हुण तां नहीं किया पास्ट च किया होएगा, ते ओह तो पहला ओह कह रहा है कि मैं कदी भी ट्राई नहीं किया सी इदां दी चीज, सो इत्थे आई नेवर ट्राइड मतलब आ वाला टेंस पास्ट च नहीं हो सकदा, एक इच होना चाहिए पास्ट परफेक्ट दे विच, सो दैट मीनस इत्थे होना चाहिए आई हैड नेवर ट्राइड सच काइंड ऑफ थिंग, but I was confident that I can write something that will be worth it. इतने will नहीं आ सकता क्योंकि वो future लिख रहे हैं, but problem की है situation का दी है, past दी है, past दी है कि नहीं, ये past है ना, but I was confident that I can write something that will be worth it. इतने can भी लिखा हुआ है भी गलत है, मैं दस दिना क्यों गलत है, इतने कह नहीं आना कुड आना, इतने विल नहीं आना वुड आना, सी मैं जे कहां आई कैन राइट समथिंग इहदा मतलब मैं हुण कुछ लिख सकदा, बट जे मैं इदा दसना होवे कि उस टाइम मैं सोचा कि मैं कुछ लिख सकदा सी, मैं इदा कहूंगा कि मैं उस टाइम सोचा कि मैं कुछ लिख सकदा हाँ, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, डू यू अंडरस्टैंड, मतलब तो कुछ ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट तो कुछ नहीं है, वो एदे वर्थ होएगा, एदे वर्थ थोड़ी दसना आपा, वो एदे वर्थ होएगा, वो वर्थ होएगा आपा दसना, देखो मैं दस दें ये एक्चुअल सेंटेंस की बनना सी, ऊपर बनना सी बिफोर दैट आई हैड नेवर ट्राइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, ते नीचे बनना सी बट आई वाज कॉन्फिडेंट दैट आई कुड राइट समथिंग दैट वुड बी वर्थ, दैट वुड बी ऑफ सम वर्थ, एदा बेटर बनना है, मैं कुछ लिखदा लिख सकदा सी जेदी कोई वर्थ हुंदी, that will be worth it, it da te koi matlab hi nahi hai na, pronoun da te koi matlab hi nahi hai, so actual sentence banna chahida si, pehla mainu mandeep dasso ki tonu actual ch samajh aa raha hai main ki keh raha, yes sir, theek hai, so priyankush tonu samajh aa raha hai, main ta lagda chhad ke chal gaya oh but I was confident that I could write something that would be of some worth, that would be worth bhi nahi aana, that would be worth it tak ko matlab hi nahi, so I immediately thought about my mother, acha I imagined some memorable moments that I spent with my mother, I immediately thought about my mother, I imagined some memorable moments that I spent with my mother. It ठीक ठाक है मतलब बहुत ज़्यादा favourable नहीं है इतने दोनों sentences दा लिखने. I penned down my thoughts. I wrote about how my mom cares me. Supports me in every difficult situation and how she sacrificed and worked hard in raising me. Theek hai? Her unconditional love and many more things. Aa ta pata nahi kitthon ji baad ditta inna ne aa dil ja bana ke. Kyunki inna ne itthe full stop paata si. Full stop पाता सी मैं उन्हें जनरल गल करने लगे, that means कि मैं एक सीधी गल करता हूँ, that means आज जड़ी नवी लाइन शुरू हो गई, do you understand? तो हम थोड़े जाए समझना जरूरी है, कोई गल नहीं, नवी लाइन शुरू हो गई थे, हर unconditional love and many more things, ये कोई अपने आप से कोई सेंटेंस नहीं है, ते फुल स्टॉप तो बाद मैं सिर्फ इतना लिखता हर अनकंडीशनल लव एंड मेनी मोर थिंग्स, ये बेसिकली कोशिश करने की कोशिश, ये मतलब जो लिख के थे अटैच करने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा ये नाल ही जुड़ जाएगा, आई विल टेल यू मैं की कह रहा, आई रोट अबाउट हाउ माय मॉम केयर्स मी सपोर्ट्स मी इन माय डिफिकल्ट सिचुएशंस, हालांकि ये भी पास्ट हो सकता है,
how she cared me and supported me in my difficult situations. ठीक है, present भी हो सकता है क्योंकि हल्ले भी कर दे. And how she sacrificed and worked hard in raising me. ठीक है, किदाउने sacrifice किता सी ते किदाउने hard work किता in raising me. Her unconditional love and many more things. आहा मतलब somehow कितो भी उन्होंने बिच add कर देता है ना, कोई मतलब है नहीं है थे. Grammatically ये की है गलत है. गलत. क्या समझ आता है? Let's see, आगे देख लेने. After writing, when I recited, since they were our guests and I wanted to make them chilled, since they were our guests and I wanted to make them chilled, so I have decided, yeah, I did decided, पता नहीं क्यों लिखा है, आ गलत है, to learn some basic words. I would decide. आ की लिखा है पता नहीं. तो दूसरी चीज मैं एक और दस रहा, since ना sentence use कीता है, के ना use कीता है? Since ना sentence use कीता है, since they were our guest and I, क्योंकि वो साडे guest सी ते मैं चाहुंदा सी कि उना नू chilled करा, मतलब उना नू comfortable करा. I decided, so नहीं आना इत्थे, बिल्कुल नहीं आना, totally गलत है. समझ आ रहे हैं तुहानू? मैं समझावा दसो. yes, देखो जेड़ा वर्ड हुंदा है सिंस, मैं शेयर करना पड़ा दूसरा जेड़ा वर्ड केड़ा हुंदा है, जे मैं इदा लिखदा सिंस दे वर आवर गेस्ट and I wanted to make them chilled. Full stop aata hone. And nahi aana itthe actually. Edda bhi ho sakda hai. Kyunki oh sade guest sige. Since they were our guest. I wanted to make them feel chilled. To make them chilled, nahi, make them feel chilled. And nahi aana. Conjunction da itthe koi matlab nahi, kyunki since ta already lagga hoya. Dekho, conjunction hai na, jehda do sentences de vich bhi aa sakda hai. Starting. Theek hai. Phir eh main clause hunda hai, te eh ki hunda hai? Subordinate clause hunda hai. But jab main subordinate clause more likhda hai, ta phir मेन क्लॉज कितने रखा बाद च रखा तो गब्बे कॉमा आ जाता है मोहरे की आ जाता है कोई कंजंक्शन बड़ा कंजंक्शन मोहरे है सो मैं कह सकता आई वांटेड टू मेक देम फील चिल्ड सिंस दे वर अवर गेस्ट गेस्ट सन ठीक है सो गेस्ट नहीं आना गेस्ट सन बट इन्होंने लेट्स सी दोबारा उठ जाने बट इन्होंने इधर लिखा सिंस दे वर अवर गेस्ट and I wanted to make them chilled. ए गलत है totally. So I did decided to learn some basic words. I have decided, I did, I have तो नहीं क्योंकि apostrophe deep आया हुआ है. मैंने नहीं बताया था की मतलब है. Specifically दसा. समझ पा रहे होंगे नहीं? प्रियंकुश. हाँ जी सर. So आ since तो लेके ना आगे सारा ही गलत है actually. ठीक है जी समझ आ रहे हैं? आगे देख लेने की लिखे. Thanks to technology. Thanks to technology. Thanks to the technology. चलो कोई नहीं, आर्टिकल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, नहीं पता होगा. So I went on YouTube